بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अपना रास्ता अपनी मंजिल अपनी धूप पर जाओए सिंध चनाब अपने साज अपने मिजरा प्यार का दरिया एक हमारा प्यार की शबनम एक है अपना परचम एक अपना कायद आजम एक है अपना परचम एक अपना कायद आजम एक है बाजे धम 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 तेज कदम तेज कदम जीने का आहंग अंदाज तराश खराश करीना है Whatever the circumstances, great nations never forget their well-wishers and leaders. दर्द का दारू एक हमारा जख्म का मरहम एक है प्यार का दरिया एक हमारा प्यार की शबनम एक है अपना परचम एक अपना कायद आजम एक है अपना परचम एक अपना कायद मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम और अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम।
मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म और जां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म और जां है मोहम्मद अली जिना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना। सदर अली वकार, मेरा नाम मिनाहिल है, मैं हर्षतम जमात की तालिबे इल्म हूँ। मुझे आज जिस मौजूदा सुखन पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है मोहम्मद अली जिना। सदर अली वकार, बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 से। कराची में पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली, कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन अजीम लीडर बन जाएगा, बाबा एक कौम बन जाएगा। इस तारीख दौर में जब गैर मुल्की जहरियत के हाथों अदल इंसाफ की शमा भुज चुकी थी, अंग्रेज मुसलमानों से इक्तदार छीन चुके थे, हिंदू अंग्रेजों के तहदी बन चुके थे, मुसलमान मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो चुके थे, तो ऐसे हालात में कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने मुसलमानों की क्यादत की कमान संभाली और इनकी वलवला अंगेज तकारीर ने मुसलमानों के अंदर नई रूह फूंक दी। हकीकत तो ये है कि कायदे आजम ने हिंदुओं और अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल कर बता दिया कि नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। सदर अली वकार, कायदे आजम ने अपनी अंतक मेहनत से थोड़े ही अरसे में हिंदुओं और अंग्रेजों से आज़ादी छीन कर मुसलमानों की गोद में डाल दी। यूं दी आज़ादी हमें कि दुनिया हुई हैरान, यूं दी आज़ादी हमें कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा भाई, आई एम फ्रॉम फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज जीनाकम नूर खान, आई रीड इन क्लास 6C। टुडे आई विल सिंग अ नेशनल सॉन्ग ऑन गाइड डे सेलिब्रेशन। कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ए रूह कायद आहा हा हा। मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें, हम प्यार के रंग उभारेंगे, मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें, हम प्यार के रंग उभारेंगे, अब खूने रगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे, अब खूने रगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे, डालेंगे फिजा में वो जज्बे डालेंगे फिजा में वो जज्बे, कागज पे जो लिखा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आफिफ मलिक है और मैं फ़ज़ाई इंटर कॉलेज जीनाकम नूर खान से हूँ। मेरी क्लास 6E है। आज मैं आपको कायदे आज़म की कुछ मालूमात दूँगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने 1948 को पाकिस्तान कौमी खेलों का इफ्तिताह किया। हुकूमत पाकिस्तान ने 1976 को कायदे आज़म का साल करार दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना बतौर हैसियत गवर्नर जनरल 1 रुपया तनख्वाह लिया करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने 1948 को पाकिस्तान के पहले बहरी जहाज दिलावर का इफ्तिताह किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का सोग सरकारी तौर पर 40 दिन तक मनाया गया। शुक्रिया।
My name is Rajab Mohammad Aftab. I read in Fazai Inter College, Class 6E. Today I am going to share some course of Qaid e Azam with you. Qaid e Azam said, expect the best and prepare for the worst. Failure is a word unknown to me. If there is a unity, there is also a victory. Work, work, work. And we are bound to success. Thank you. Have Qaid e Azam Day. मेरे साथ कराम, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं फजाई इंटर कॉलेज जिनाह कैंप नूर खान की तलबा सलमा राजा जमात शीशम बी। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह। मुखलिस तबे रहा था मोहम्मद अली जिनाह, मिल्लत का ना खुदा था मोहम्मद अली जिनाह। उल्फत थी उसको रहमत के नाम से, इस्लाम पे फिदा था मोहम्मद अली जिनाह। 25 दिसंबर 1876 का एक ताबिनाक दिन जब मसीही क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे, कराची के एक ताजी जिनाह पूजा के यहाँ एक बच्चे ने आँख खोली जिसका नाम मोहम्मद अली जिनाह रखा गया। कौन जानता था कि बच्चा एक दिन बड़े सगीर के करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन और सितारा बनकर उभरेगा। मोहम्मद अली जिनाह ने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आप बचपन से ही बड़े जहीन मेहनती और लायक थे। आपने वकालत का एहतमाम फरमाया। मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए फरमाया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब नहीं बल्कि एक दूसरे से मुंतशिर हैं। वालेकुम, आई एम फ्रॉम फजाई इंटर कॉलेज, माय नेम इज इमान अजीज, आई रीड इन क्लास 6B, आई एम परफॉर्म टैबलो ऑफ कायदे। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे आप बचा के ظاہر و غیب کا نشان
سرزمین پاکستان. My dear fellows, Assalamu alaikum. I am Raina Vakas and I am the student of class 6A from Fazai Inter College, Jinnah Camp, New Wuhan. Whenever does anyone ask in the world that who is the founder of Pakistan, the name of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah comes on the tongue. He did a great job to achieve his ambition for his nation, which is able to write in golden words. And here, I am going to elaborate a short speech on Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah on December 25th, or we can say it is the anniversary of Muhammad Ali Jinnah. He was an influential personality and committed as well as an honest person, and was very much stubborn in a sense that when he decides to do something, no matter how difficult the task is and no matter what difficulties will hinder in the way, he just continue his struggle and strive hard for achievement and success of his goal. It was 25th December 1876 when this great personality of Pakistan was born at Wazir. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mahad Amir Suhail and today I am dedicating some words to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. السلام علیکم, میرا نام ہے سمان مرتضیٰ, میں فضائیہ انٹر کالج جناح کیمپ نور خان کلاس سکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور آج میں آپ کو قائد اعظم کی یاد میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. پہنچا گیا وہ منزل مقصود تک, پہنچا گیا وہ منزل مقصود تک, وہ میرا کارواں تھا محمد علی جناح. نقشے پیمانی میں ایک رنگ بھر گیا, نقشے پیمانی میں ایک رنگ بھر گیا, مرتے ہیں تو نے ناممکن ممکن کر دیا. تمہاری پھر ضرورت ہے یہاں حالات ایسے ہیں, تمہاری پھر ضرورت ہے یہاں حالات ایسے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ملک چلے گا کیسے. پریشانی کا عالم ہے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, پریشانی کا عالم ہے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, سنو اے قائد اعظم ہم تمہیں یاد کرتے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Starting with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum to the respected chief guest and your audience. My name is Amla Naim and I am from class 6B representing Fazaiya Inter College Jinnah Camp, here to deliver a speech on the topic Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam is the greatest leader of our history. He won a separate state of Pakistan and printed his name forever in the pages of history. He was born on 25th December 1876 to a prominent mercantile family in Karachi. He was educated at Sindh Madrasatul Islam and the Christian Mission School. Jinnah joined the Lincolns in 1893 to become the youngest to be called to the bar. 3 years later, he became Bombay's most famous lawyer. He formally entered politics in 1905 from the platform of Indian National Congress. He was a sincere and devoted leader of the Muslims. He was an intelligent and lively thinker, and he awakened the Muslims from their slumber. He told them that they were a separate nation from Hindus and they needed a separate state to live according to their religion and their culture. It is impressed upon the mind of Muslims of India the necessity of a separate country.
At the beginning of Jinnah's politics career, he joined the Indian National Congress, but soon left it on seeing the evil design of the Hindus. He joined the Muslim League and became its leader. He collected the Muslims on one platform and created in them the spirit of unity. He fought peaceful battles against the Hindus and the British. His enemies tried to purchase him, but he remained undaunted. He was a man of great determination, and he worked very hard. In 1940, the famous Pakistan Resolution was passed, and afterwards he worked day and night for Pakistan and did not worry about his health, which was going down day by day. It was due to his wise leadership and vigorous effort that Pakistan came into being on 14th August 1947. He was fighting with tuberculosis for many years, but never made it his weakness, and unfortunately died on 11th September 1948, just 13 months after the creation of this beloved country, and now is buried in Karachi. May Allah have mercy on his soul. Ameen. Jazakallah. Mm-hmm.